और अब बात होगी उन एक्टर्स की, फिल्म स्टार्स की जो पहुंचे हैं आज वोट डालने के लिए। जल्दी से सुना देते हैं फिर चर्चा की शुरुआत। उन सबको मालूम है कि अच्छा कैसे बनना है, कैसे अच्छे भारतीय बनना है, अगर भारत को ऊंचा ले जाना है वो भी जानते हैं, और मुझे यकीन है वो अच्छे भारतीय हैं। आज भारत के लोकतंत्र के बहुत बड़े उत्सव का बहुत ही प्यारा दिन है, और ऐसे तो मेरा भारत ही अनोखा है, निराला है, पूरा भारत विश्व से बहुत अनोखा है, बहुत निराला है, और इस निराले को मेरा भारतवासी, हर भारतवासी बनाता है हमारे भारत को यूनिक। लेकिन उसमें भी मुंबई इस पृथ्वी से सबसे निराला जगह है। लोकतंत्र के उत्सव को पूरा विश्व देख रहा है, भारत से अधिक, भारतवासियों से अधिक कोई मनाना जानता नहीं। अब मेरी एक ही अपील है राष्ट्रहित के लिए, ऐ मेरे भारतवासियों, अगर अब जाग गए हो तो बस मरना मत। हम दुनिया का सहारा बने, दुनिया हमारा सहारा बने। सर, उन नेताओं से क्या कहेंगे जो गर्मी के चलते बहाना दे रहे हैं, जो छुट्टी के चलते बाहर घूमने जा रहे हैं, मतदान करने नहीं आ रहे हैं? तो उन्हें कोई हक नहीं है अपने देश के बारे में चर्चा करने का, डिबेट करने का, जो मतदान नहीं देते हैं उनको पूरा आराम से बैठ के खेल देखना चाहिए। धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि मेरा भारत जो है वो विकसित रहे, वो मजबूत रहे। इसी को दिमाग में रखते हुए मैंने वोट किया, और उसी हिसाब से पूरा भारत वोट करे जो उनके दिमाग में सही लगे। सिटीजनशिप मिलने के बाद पहली बार मतदान कर रहे हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत 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 बढ़िया लग रहा है। डेमोक्रेसी दिस इज द वन राइट दैट यू हैव बीन गिवन टू एक्सप्रेस व्हाट इट इज दैट यू फील, व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट यू वांट, व्हाट काइंड ऑफ गवर्नेंस यू लाइक। सो आई अर्ज ऑल योर व्यूअर्स टू प्लीज 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 मेक द एफर्ट एंड वोट। एंड व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द नेक्स्ट 5 इयर्स? What is my expectations from my expectation next? Always is good governance and a government that functions for all people. Himaji, अरे तू इधर आ ना, आइना आ ना, इधर आइना। संदीप थोड़ा साइड, संदीप थोड़ा साइड। एक अर्जेंट है हिमाजी, आज मतदान हो रहा है, क्या अपील करेंगे अधिक से अधिक संख्या में? अधिक से अधिक लोग आए इसके लिए हम लोग जल्दी आए, ताकि आप लोगों के जरिए ये जो पब्लिसिटी होगी कि हम लोग मतदान करने आए, हम भी आए थे, धर्म जी भी आए, ऐशा आई है, हमारे परिवार के सब लोग आए हैं, एक एक जन को हमने रिक्वेस्ट किया, प्लस ऑल द हमारे जो हेल्पर हैं घर में भी उनको भी बोला है कि आप लोगों को जाके वोट देना है। इतना तक हम लोग कर सकते हैं, बाकी ये वीडियो आपका जो देख कर जो इंस्पायर होंगे कि जो घर में बैठे हैं आराम कर रहे हैं, खाना वाना खा रहे हैं, बाहर निकल के आके अपने वोट देने आएंगे। उम्मीदवार है और आप वहाँ से चुनाव प्रचार करके अब यहाँ पर आई हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको महाराष्ट्र की जनता से, मुंबई की जनता से? महाराष्ट्र की जनता काफी समझदार हैं, और उनको मालूम है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है ये वोटिंग करना, ये मतदान जो इतना मतदान है, ये दान के लिए हम लोग आप लोगों से आकर मांगते हैं, ये दान बराबर दे और सही लोगों को देना चाहिए, यही हमारा रिक्वेस्ट है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी, 400 पार का सपना, नीचे कैमरा लोग, 400 पार का सपना, 400 पार का सपना जो है डेफिनेटली पार होगा, क्योंकि इतना सब कुछ मोदी जी ने किया है पूरा देश के लिए, देश के लोगों के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए, तो क्यों नहीं, लोग प्रभावित है मोदी जी से, और मोदी जी भी खुद पर्सनली कितना मेहनत भी वो भी कर रहे हैं ना, ऐसे कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं देखा जो मत इलेक्शन के टाइम पे इतना वर्कआउट कर रहा है। ईशा जी, आपका ईशा जी, आप भी मतदान करना है, पहले तो आप आम जनता से क्या अपील करेंगे पहले? यही कहूंगी सबसे कि जरूर हमारा हक है, बाहर आइए वोट कीजिए, क्योंकि अगर आप वोट नहीं करते हो और बाद में कहते हो कि सही नहीं हुआ या यू नो सही हुआ, तो ये आप पर है, एक एक वोट मायने रखता है और आपका हक है, तो जरूर आज का दिन निकल के आके वोट कीजिए। विकसित भारत का सपना प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखाया, आपको लग रहा है ये समय है जी? उन्होंने जितना किया है हमें सब सबको दिख रहा है, वो बहुत कुछ कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं, और उनका जो ध्यान हमारे भविष्य के जेनरेशंस पर है वो बहुत ही खास बात है उनके बारे में, और नॉट जस्ट इन इंडिया, इंटरनेशनली भी हमारा देश को वो बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा रहे हैं। आज मतदान का दिन है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या आ रही है, हमें दिख रहा है काफी लोग आ रहे हैं ना, हाँ आ रहे हैं, बहुत से लोग घूमने निकल जाते हैं, वोट नहीं कर पाते।
आज क्या कहेंगे जी? 400 पार का नारा है मोदी जी का, क्या ये सफल होगा? हाँ सफल होगा। चलो तो हेमा मालिनी और उनकी बेटी ईशा देओल को आप सुन रहे थे। दोनों का ये कहना है कि वोट डालने जरूर निकले। और एक बात बहुत अच्छी ईशा देओल ने कही कि बाद में चर्चाएं खूब होती है, ड्राइंग रूम में बैठकर लोग चर्चा करते हैं देश की राजनीति पर, स्थिति पर, लेकिन जब वोट डालने की बारी आती है तो एक उदासीनता दिखती है, इससे बचना चाहिए।